हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ की रसोई। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं तीन अलग अलग तरह की शानदार पूड़ियाँ, जो कि हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी है। उसे बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं और सफ़र के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है। इसे आप सफ़र में बना के ले जा सकते हैं। और सब देखिए कितनी फुली फुली बनी है, आप देख सकते हैं। हमने अलग अलग शेप में भी इसे बनाया है। हम लोग बनाएंगे पालक की पूड़ी, जिसके लिए मैंने आधा कटोरी मटर लिया है, थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्ची, दो हरी मिर्ची है और थोड़ा सा अदरक उसमें डालूंगी। अच्छे से धो के साफ किया हुआ पालक अब इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि लहसुन से भी टेस्ट अच्छा आता है। मैं नहीं डाल रही हूँ लहसुन। इसके देखिए हमने बारीक पेस्ट बना लिया है। अब इससे पूड़ी का डो तैयार करते हैं। डो तैयार करने के लिए सबसे पहले लेंगे एक कटोरी आटा। आटा नॉर्मल जो रोटी बनाते हैं वही आटा हमें यूज करना है। और थोड़ा सा बेसन, बेसन से पूरी क्रिस्पी बनेगी। थोड़ी सी अजवाइन और आधा चम्मच नमक। आप हरी मिर्ची अगर नहीं डाल रहे हैं तो आप लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। अभी जो मटर और पालक का हमने पेस्ट बनाया था, थोड़ा थोड़ा करके ये डालेंगे, एक साथ नहीं डालना है। पूरी की जैसे इसका आटा तैयार करना है। इसमें एक चम्मच घी भी डालना है, मैं भूल गई थी इसलिए अभी डाल दे रही हूँ। एक चम्मच देसी घी, जिससे पूड़ियाँ बहुत सॉफ्ट और अच्छी बनेगी। आप घी की जगह तेल भी डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं। इसका देखिए हमने एकदम पूरी के जैसा डो तैयार कर लिया है। इसको ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। डो को रेस्ट में रखे, 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें एक चम्मच तेल लगा के इसकी पूड़ियाँ बना लेंगे। थोड़ा सा और रोस्ट दे देंगे ताकि पूड़ियाँ इसे छोटी छोटी पूड़ियों के आकार की लोइयाँ तोड़ लेंगे, गोल गोल जिस साइज की आपको पूरी खानी है, छोटी बड़ी वैसे बना लेते हैं। मैं छोटी छोटी बना रही हूँ, ज्यादा बड़ी नहीं बना रही हूँ। अब इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ ले देनी है। अब ये मैंने तेल गरम किया है, अब इसमें पूड़ियाँ तल लेंगे। तेल अच्छे से गरम होना चाहिए ताकि पूड़ी अच्छे से फूले। ठंडे तेल में पूड़ियाँ फूलती नहीं है। ये देखिए पूड़ी कितने अच्छे से फूल रही है। आप इसे दही, अचार, टमाटर की चटनी के साथ खाएंगे, बहुत ही अच्छी लगेगी ये। ये देखिए कितने अच्छे से फूली है और कितनी क्रिस्पी बनी है पूरी। ये सफर के लिए बहुत अच्छी है और बच्चों के टिफिन के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है। एक भी पूरी हमारी बिना फूले नहीं रही है। आपके सामने आप देख सकते हैं सब पूड़ियाँ अच्छे से फूली है। अब आप देख सकते हैं पालक मटर की कितनी शानदार पूड़ियाँ बनके तैयार हो गई है। अब इसे आप अलग अलग शेप में बनाना चाहें तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे बनानी है। अब बनाते हैं हम लोग अपनी सेकेंड वाली पूड़ी, यानी कि बीटरूट की पूड़ी। ये पूड़ियाँ हेल्दी भी बहुत होती है। बीटरूट बहुत अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए, खून भी बढ़ाता है। इसके लिए मैं बीट को अच्छे से धो के काट के लिए, और ये थोड़ी सी दो तीन हरी मिर्ची है और थोड़ा सा अदरक है। अब इसका भी बारीक पेस्ट बना लेंगे। आप चाहे तो कस के भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसे बॉईल करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं कच्चा ही डाल रही हूँ। ये हमने इसका भी बीट का भी बारीक पेस्ट बना लिया। अब इसका भी डो तैयार करते हैं। बीट रूट का पूड़ी का भी डो तैयार करने के लिए हमने लिया एक कटोरी आटा, एक बड़ा कटोरी आटा और उसमें एक छोटा सा कटोरी, यानी कि आधा कटोरी से भी कम, 1/4 कटोरी सूजी। सूजी से पूड़ियाँ क्रिस्पी बनती हैं। थोड़ी सी अजवाइन आधा चम्मच, आधा चम्मच लेंगे नमक, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं आप। और आधा चम्मच ले रहे हैं भुना हुआ पिसा हुआ जीरा, आधा चम्मच से थोड़ा कम। भुना हुआ पिसा हुआ जीरा लिया है, आप गोटा जीरा भी ले सकते हैं। और थोड़ी सी टेस्ट के लिए ले रहे हैं कसूरी मेथी।
इससे पूरी में टेस्ट अच्छा आता है। इसको हल्का सा हाथ से प्रेस करके डालना है। उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी, घी से पूरी सॉफ्ट बनती है, और थोड़ी सी कसी हुई गाजर। जो हमने बीट रूट और इसका पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि वो ज्यादा पतला नहीं हो। रेड पूरी, पूरी का डो तैयार कर लिए हैं। देखिए पूरी का आटा ज्यादा गिल्ला नहीं होता है, हल्का टाइट ही हमें लगाना है। इसको भी ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। ये डो को रखिए, 10 मिनट हो चुके हैं इसको भी। अब इसमें थोड़ा सा लगाएंगे ऑयल, लगा के थोड़ा सा आटा को स्मूथ कर लेंगे। ये आटा को हमने स्मूथ कर लिया है, अब इसकी भी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। ये पूड़ियां आप लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कभी भी बना सकते हैं। हेल्दी होने के साथ साथ ये टेस्टी भी होती है। इसकी भी हम लोग छोटी छोटी पूड़ियां बेल लेंगे। पूड़ियां आप अपनी इच्छा अनुसार जैसे चाहे वैसे बेल सकते हैं। इसकी भी पूड़ियां अभी ने तल लेते हैं। ये देखिए हमारी बीट रूट की भी पूड़ी बनके तैयार हो चुकी है। ये भी बहुत ही क्रिस्पी और फुली फुली बनी है। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी और फुली फुली बनी है। ऐसे ही हमारी पालक की पूड़ियां बनी थी। अब हम लोग बनाएंगे मसाला पूड़ी। मसाला पूड़ी के लिए मैंने 1 छोटा कटोरी आटा लिया और 1 कटोरी सत्तू ले रही हूँ। सत्तू चना को सेक के बनाया जाता है और ये आसानी से आपकी दुकान पे मिल जाएगा। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी कलौंजी, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी सौंफ। ये हम लोग मसाला पूड़ी बना रहे हैं। इसको आप सॉस, चटनी या दही के साथ खा सकते हैं, अच्छी लगती है। मेरी बेटी को बहुत पसंद है, उसको टिफिन में अक्सर ये पूड़ी देती हूँ। इसमें ले रहे हैं थोड़ा सा अदरक कसा हुआ और थोड़ी सी हरी मिर्ची। कस के लेना, नहीं तो पूड़ियाँ फूलने से पहले ही टूट जाएगी। और थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक कम ही डालेंगे क्योंकि हम लोग इसमें अचार का मसाला यूज करेंगे। अचार के मसाले में भी नमक होता है। आपके पास हरा धनिया तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं, लहसुन और प्याज भी इसमें डाल सकते हैं क्योंकि ये लिट्टी की जैसी पूड़ियां हैं। इसमें लहसुन और प्याज भी डालेंगे तो वो भी बहुत टेस्टी लगता है। अब इसमें डालेंगे 1/2 नींबू का रस। ये सफर के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। और अब ये डाल रहे हैं अचार का मसाला के साथ तेल। ये आम के अचार का मसाला हमने यूज किया है। ये 4 चम्मच डालूंगी मैं। आप जितना आपको खाना है उस हिसाब से डाल सकते हैं। ये सफर के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। आप सफर में कहीं बाहर जा रहे हैं तब इसे बना के ले जा सकते हैं। जल्दी खराब भी नहीं होती है, बच्चे भी इसे बहुत शौक से खाते हैं। इन सब चीजों को अच्छे से मिला लेंगे और इसका भी पूरी के जैसा थोड़ा सा टाइट आटा तैयार कर लेंगे। बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं करना, बहुत ज्यादा नरम भी नहीं, पूरी के जैसा आटा हमें तैयार करना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसका डो तैयार कर लेंगे। अब इसमें हमने अचार का तेल डाला इसलिए इसमें घी का मोरन देने का जरूरत नहीं है। ऐसे ही ये पूड़ियां बहुत सॉफ्ट बनेगी। ये मैंने मसाला पूड़ी का भी डो तैयार कर लिया है। इसको भी अब 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो गया, इससे भी तेल लगा के हमने स्मूथ कर लिया है। इसकी भी छोटी छोटी लोइयां हम लोग बना लेंगे पूड़ी के लिए। मेरे घर में तो ये पूड़ी सबको बहुत पसंद है, आप भी एक बार बना के देखिएगा। कम मेहनत में बहुत ही अच्छी रेसिपी है। इसकी भी छोटी छोटी पूड़ियां हम लोग बेल लेंगे। अब इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। मसाला पूड़ियों को हम लोग फ्राई कर लेंगे। इनको भी फ्राई कर लेंगे। देखिए कितनी फूली फूली बन रही हमारी पूड़ियाँ। अरे क्रिस्पी भी बहुत बनती है। एक साइड से सेकने के बाद अब दूसरे साइड से सेक लेते हैं। ऐसे सारी पूड़ियाँ फ्राई कर लेंगे।
ये देखिए मसाला पूड़ी भी बनके तैयार हो चुकी है और एकदम फुली फुली क्रिस्पी बनी है। अगर आपको उसके अलग शेप की पूड़ी बनानी है तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए थोड़ा बड़ा पूड़ी बेलना है। अगर आपके पास इस चौकोर साइड में कोई टिफिन है, गोल है, तो गोल शेप में काट सकते हैं। देखिए ऐसे चौकोर पूड़ी बन जाएगी आपकी। और इसको अगर ट्रायंगल शेप में करना चाहते हैं तो आप चाकू से भी कर सकते हैं। अगर आपको शेप देने के लिए कुछ नहीं है तो आप ऐसे बना सकते हैं इसको। देखिए ट्रायंगल शेप भी हो गया, चौकोर शेप में बन गया। इसे अपन बनाएंगे दो चौकोर शेप में। देखिए बच्चों के लिए आप अलग अलग शेप में अलग अलग डिजाइन की पूड़ियां बना सकते हैं। देखिए ये शेप का भी पूड़ी अपना कितना अच्छा फूला है। देखिए अपनी पूड़ियां कितने अच्छे से फूल रही है। बच्चे अलग अलग शेप की पूड़ियां खाकर खुश हो जाएंगे। सब शेप की पूड़ियां फूली हैं अपनी। ये देखिए हमारी तीनों तरह की पूड़ियां बनकर रेडी हो चुकी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा और हमें बताइएगा आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती है। देखिए सारी पूड़ियां हमारी कितनी अच्छे से फूली हैं, ये तो आप देख ही सकते हैं।